सेकंड और सब्जेक्ट इंग्लिश. आवर नेशनल फ्लैग, आवर मींस हमारा, नेशनल मींस राष्ट्रीय, फ्लैग मींस ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज या हमारा राष्ट्रीय झंडा. दिस इज द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री. दिस मींस यह है द नेशनल राष्ट्रीय फ्लैग ध्वज ऑफ आवर, हमारे कंट्री देश का, यह है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है. कौन सा, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, ये हम क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज. इट इज कॉल्ड द ट्राइकलर ऑफ द तिरंगा. इट इज कॉल्ड, यह कहलाता है द ट्राइकलर, तीन रंगों वाला, और द तिरंगा, और तिरंगा यह क्या कहलाता है, तिरंगा कहलाता है. तिरंगा क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज. इट इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी. यह किस बात का प्रतीक है, फ्रीडम, आजादी, एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता, सिंबल में प्रतीक, यह हमारा आजादी और स्वतंत्रता का प्रतीक है. द इंडियन ट्राइकलर हैज द हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. यह हमारे ध्वज में कितने कलर हैं, तीन, कौन कौन से, सैफ्रन, केसरिया, व्हाइट, सफेद एंड ग्रीन, और हरा कलर. इक्वल में समान, प्रोपोर्शन में अनुपात, यह समान अनुपात में तीन रंग की पट्टियां हमारे ध्वज में है. इधर देखो बच्चों, जैसे ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें कौन कौन सी पट्टियां हैं, देखो तीन पट्टियां हैं, तीनों समान अनुपात में दी हुई है. और ऊपर का कलर कौन सा है, सैफ्रन, केसरिया, बीच वाला व्हाइट और नीचे वाला ग्रीन. ठीक है, आगे करते हैं. द इंडियन ट्राइकलर, द सैफ्रन बैंड इज ऑन द टॉप, जो सैफ्रन कलर है वो कहाँ है, टॉप, ऊपर की तरफ है. द व्हाइट इन द मिडल, और सफेद कहाँ है, बीच में, मिडल में, बीच में. एंड द ग्रीन बैंड एट द बॉटम, ग्रीन मींस हरा, बॉटम मींस नीचे की तरफ, बैंड मींस पट्टी, जो हरे रंग की पट्टी है वो नीचे की तरफ है. इधर देखो बेटा, राष्ट्रीय ध्वज में नीचे कौन सी पट्टी है, हरे रंग की पट्टी है. द व्हाइट बैंड हैज ए नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर, और जो व्हाइट पट्टी है, सफेद पट्टी है, हैज ए नेवी ब्लू, नेवी ब्लू मींस गहरे नीले रंग की व्हील, चक्कर इन द सेंटर, सेंटर मींस बीच में, जो नीले गहरे रंग का चक्कर है वो कहाँ है, बीच वाली पट्टी में, बीच में जो ये चक्कर बना हुआ है. इधर देखोगे आप राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्कर बना हुआ है, ये कैसा है, गहरे नीले रंग का है, और इसमें कितने, 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स टिकियां हैं. आप ये गिनकर देखोगे और ध्यान से इसे पढ़ोगे. नेक्स्ट है, द व्हाइट बैंड हैज ए नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर, बीच में है, दिस व्हील हैज 24 स्पोक्स, और इस चक्कर में क्या है, 24 स्पोक्स, स्पोक्स में टिकियां, 24 टिकियां हैं. द सैफ्रन डिनोट्स कोरेज एंड सैक्रिफाइस, जो सैफ्रन कलर है, केसरिया कलर है, डिनोट्स, डिनोट्स में प्रतीक है, कोरेज में बहादुरी का, एंड और सैक्रिफाइस त्याग का, जो केसरिया कलर है वो किस बात का प्रतीक है, त्याग का और बहादुरी का. कैसे है, देखो बच्चों, जैसे हमारे देश की सीमा पर हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, और जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो वो हमारी अपनी जान देकर भी हमारी सुरक्षा करते हैं, यह उनका त्याग ही है. किस बात का प्रतीक है, त्याग का और बहादुरी का. आगे है, दी सैफ्रन ट्रूथ एंड पीस, कौन सा कलर है, दी व्हाइट डिनोट्स ट्रूथ एंड पीस, जो सफेद है, डिनोट कलर डिनोट्स प्रतीक है ट्रूथ, सच्चाई का, एंड पीस और शांति का, जो सफेद कलर है, सफेद रंग है, किस बात का प्रतीक है, सच्चाई का एंड शांति का. द ग्रीन डिनोट्स फर्टिलिटी, ग्रीन डिनोट्स मींस जो हरे रंग का है, डिनोट्स मींस प्रतीक फर्टिलिटी, उपजाऊपन का, एंड प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता का. कैसे है प्रतीक, हरे रंग का जो पट्टी है वो किस बात की प्रतीक है, ये हमारी उपज
जॉब और प्रॉस्पेरिटी की। कैसे, जैसे हमारे देश के किसान हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है और हमारा देश हरा भरा रहता है और इससे हमारे देश के किसानों को क्या मिलता है, धन भी मिलता है और अन्न भी मिलता है, इसीलिए ये हमारे संपन्नता का प्रतीक है। दी तिरंगा वाज डिजाइन बाय पिंगली वेंगली। जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, पिंगली वेंगली। ये नाम आपने याद रखना है। वी आर प्राउड ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज पर गर्व है। देखो बच्चों, एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। इधर आप ये पिक्चर देखेंगे, आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है लेसन के साथ साथ। इसमें क्या है, ये राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसमें तीन रंग की पट्टियां हैं, तीनों पट्टियां समान अनुपात में दी हुई हैं। और कौन सा कलर ऊपर है, केसरिया कलर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सैफरन कलर। और बीच वाला कलर कैसा है, व्हाइट सफेद पट्टी, और नीचे वाला क्या है, ग्रीन कलर, इसके बीच में एक चक्कर दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेवी ब्लू ग्रीन, नीला गहरे रंग का चक्कर। और इसमें कितने त्रिज्या हैं, 24 स्पॉक्स हैं। ये किस बात की प्रतीक है, जो हमारे दिन के 24 घंटे हैं और हमें चलते रहने का ये संदेश देती हैं। और यह है इसका प्रतीक है 24 घंटे का। अच्छा बच्चों, आप ये लेसन अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे और लर्न करेंगे।